पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों का बदला लेने के लिए पूरा देश एक होकर खड़ा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की मांग कर रहा है। तो वहीं बागपत में बीए का एक छात्र सत्याग्रह कर रहा है। बता दें कि शामली जनपद के भारती गांव का रहने वाला बीए का छात्र विजय कुमार बागपत जिले के कस्बा बड़ौत में दिगंबर जैन कॉलेज में पढ़ाई करता है और कल जब उसे आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने का पता चला तो वह पूरी तरह से गुस्से में आ गया और आज सुबह वे अपने हाथ की नस काट कर मैन बाजार में नेहरू मूर्ति के पास सत्याग्रह पर बैठ गया और उसने अपने ही खून से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखकर एक जवान के बदले 1000 पाकिस्तानों के सिर कलम कर लाने की मांग की और उसने देश की सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर मांग की है, नहीं तो देश का युवा खुद बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले? जिला शामली गांव भारती। आप यहाँ पे क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? आप क्या मांग रहे हैं? सरकार के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है। अगर हजार सर नहीं लाए तो मोदी को वोट नहीं मिलेगी। वोट हमें हजार सर चाहिए। हमारे 42 भाई 50 भाई शहीद हो गए हैं। अगर 48 घंटे के अंदर मोदी जी ने हजार सर नहीं लेकर आए मोदी जी, तो मैं अपनी जान 48 घंटे के अंदर, अभी तो खून माया है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे मैं अपनी जान दे दूंगा। जान हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन नहीं चाहिए। ये आपने अपने खून से लिखा है? अपने खून से लिखा है। अरे हिंदुस्तान को गौर से सुनो और खूब जान लो, हम तुम्हारे साथ ऐसे आहनी हाथों से निमटने वाले हैं जिसका सामना करना के बस की बात नहीं। हम माजी में भी तुम्हें ऐसे गहरे जख्म दे चुके हैं जिनका भरना नामुमकिन है। IC-814 की हाईजैकिंग से लेकर तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मुश्किलों के सरों से बेजे आजाद करने तक, बादामी बाग के फिदाइन धमाकों से लेकर टंगडार और नगरोटा के जलते हुए कैंपों तक, पठानकोट एयरबेस से पुलवामा पुलिस लाइंस तक, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास वाक्य BSF। मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है और मैं जो आज कल 14 फरवरी को पाकिस्तान के कायर टट्टू भाड़े के आतंकवादियों ने जो CRPF देश की सेना के ऊपर जो हमला किया जिसमें 44 जवान शहीद हुए, उसका बदला लेने के लिए आज हमने पाकिस्तान का पुतला बना के गोली मारी, उसको फावड़े से काटा, उसको दरातियों से काटा, खरपल्ली से काटा और उसके ऊपर आज परमाणु बम डाला गया। ये तो एक सांकेतिक विरोध है, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, जिम्मेदार अधिकारियों से, मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया। इतनी मौतें बिना युद्ध के होना छोटी बात नहीं है, युद्ध में भी इतनी मौतें नहीं होती। अगर यही हाल रहा तो हमें फिर आपसे ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपसे बिना पूछे चल देंगे। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और देश के सेना कमांडर जी, मैं यही कहता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान को सबक सिखाइए। हमारे पास में परमाणु बम है, आप उसका इस्तेमाल करिए। अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? 44 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, ऐसी दर्दनाक मौत दी है कि पाकिस्तान अभी तक कांपा भी नहीं। 18 सैनिक मारे थे 2 साल पहले, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का मुझे आज भी
कोई कम नहीं है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान का एक सैनिक भी नहीं मरा, एक जवान भी नहीं मरा था, रोया नहीं था पाकिस्तान। और तो उस टाइम भी पूरा देश हिंदुस्तान रोया था, और आज 44 सैनिक मरने के बाद भी आज पूरा देश रो रहा है। और मोदी जी से निवेदन करता है कि आर्या पार अटैक करिए, देश की सेना का इस्तेमाल करिए, एयरफोर्स का इस्तेमाल करिए, परमाणु बम का इस्तेमाल करिए। बस यही हम सब विनती करते हैं, भारत माता की। कृष्णा तोमर, प्रदर्शन क्या पाकिस्तान के खिलाफ पुतला जलाया, गोलीबारी क्या मामला है, क्यों किया? इसलिए किया कि हमारे जो देश के जवान थे वे गद्दारी से धोखे से उन्होंने मतलब उन पर विस्फोट किया, इसलिए हमने उनका पुतला फूंका और हम इसलिए आक्रोश में हैं। हम उनसे बदला लेने के उसमें हम उनको ख़त्म कर देंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं हैं, हम दुनिया में से उनका मतलब नस नाबूद मिटा देंगे पाकिस्तान का। मैं क्या मान रहे अपने आप को, मैं धोखे से हमारे सैनिकों को मतलब टारगेट बना रहे, किस लिए बना रहे हैं हमारे सैनिकों को टारगेट? हमारी सरकार से यह मान है कि हम हमारे प्रधानमंत्री मतलब उनसे एक का केक को चुन चुन का बदला ले, पाकिस्तान को नस नाबूद कर दे, मिटा दे, उसे छोड़ दे ना बिल्कुल भी। मैं हमारे बेटों को हमारे लालों को भी इस तरह खा रहे है धोखे से। आज जो है जम्मू कश्मीर में जो सीआरपीएफ के जवानों पर जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है उसके विरोध में हमने एक ज्ञापन दिया है। सारे राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे हैं, इनका कैंप चल रहा है यहाँ पक्का घाट मंदिर पे, इनका निवास है, वहाँ से हम सभी आए हैं और हमने इसके प्रति विरोध जताया है कि भारत में ये कब तक हमारे जवान ऐसे ही मरते रहेंगे। इसका एक ज्ञापन दिया है, एक शांति मार्च हमने अभी निकाला था और हम इन शहीद सैनिकों की सहायता एक पैसे का भी कलेक्शन जो हम कर रहे हैं कि हम इसके लिए शहीद सैनिक कल्याण कोष के नाम DD बना करके कल परसों तक 2 दिन में हम करके इसको भेजेंगे।